अरे भाई मुंह बंद, अरे जा। कितने बजे तक चल रही है सर? कितने बजे चल रही है? सबको मिलेगा सर, बाद में बात करते हैं। अरे निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, निकलने कितने बजे से हो रही है? 5 बजे से भोला यादव के राजधानी पटना वाले आवास पर रेड चल रहा था। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सीबीआई की जो टीम है वो उनके आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। बता दें आपको कि भोला यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है, साथ ही साथ राजधानी पटना में जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है उनके आवास पर भी छापेमारी हुई है। सुबह 5 बजे से सीबीआई की रेड यहां पर चल रही थी और अब सीबीआई की टीम जो है वो बाहर निकली है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, हम पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला है, आखिरकार कितनी जगहों पर रेड पड़ी है। सीबीआई से ये सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि कोई भी इस बात को बोलने को, कोई अधिकारी इस बात को बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो अंदर में मौजूद हैं उनसे पूछा गया कि अंदर में जो इस आवास के अंदर जो भोला यादव के स्टाफ है उनसे पूछा गया कि क्या कितने बजे से यह छापेमारी चल रही है। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही थी और अब जाकर जो अधिकारी हैं वो बाहर निकले हैं। देखिए किस तरीके से अधिकारी से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कितने बजे से रेड पड़ रही थी, कब आप लोग आए और क्या कुछ मिला है और क्या कुछ बातें हैं और कितनी जगह पर रेड पड़ रही है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि इस बात अरे भाई मुंह बंद, अरे जा। कितने बजे तक चल रही है सर? कितने बजे चल रही है? सबको मिलेगा सर, बाद में बात करते हैं। अरे निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। कितने बजे से हो रही है? देखिए बताया नहीं जा रहा है कि कितने ठिकानों पर रेड चल रही है, लेकिन ये साफ है रेड जो है। सर कितने ठिकानों पर रेड चल रही है? सर कितने ठिकानों पर रेड चल रही है? तस्वीरों में सर कितने जगह उन्होंने कुछ नहीं कहा है और वो सीधे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अधिकारी बताने को तैयार नहीं थे। दो जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे और सुबह 5 बजे से जो है वो लगातार छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी और ये सवाल पूछा जब गया तो तमाम अधिकारी जो है इस बात को बताने से इनकार कर दिया। और साफ तौर पर ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं वो आवास से निकलकर अपने गाड़ी में बैठे और सीधी रवाना हुए। सीधी तस्वीरें जो है भोला यादव के राजधानी पटना वाले आवास से है जहां पर सीबीआई की रेड समाप्त हुई और उसके बाद यहां से तमाम अधिकारी निकले। हालांकि इस बात की जानकारी किसी ने नहीं दी कि आखिरकार मिला क्या और क्या कुछ, जो कहा जा रहा था कि नौकरी देकर जो है जमीन लिखवाने का मामला भोला यादव के ऊपर है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। हालांकि इस बात को बताने को कोई तैयार नहीं है कि आखिरकार कोई भी अधिकारी इस बात को बताने को तैयार नहीं है। देखिए ये है भोला यादव का प्रकाश भवन मेन रोड फ्रेंड्स कॉलोनी पटना और उसके बाद ये तस्वीर जो है वो राजधानी पटना की है जहां पर तमाम जो भोला यादव के साथी हैं यहां मौजूद हैं जो और उनके निगरानी में ये छापेमारी चल रही थी। सुबह 5 बजे से लगातार यहाँ पर सीबीआई की टीम जो है वो रेड कर रही थी। सवाल पूछा गया कि मामला क्या है, कितने जगहों पर छापेमारी चल रही है, अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया। किस तरीके से जब अधिकारी निकले उनसे हमने पूछा क्या कुछ उनका कहना है। अरे भाई मुंह बंद, अरे जा। कितने बजे तक चल रही है सर? कितने बजे चल रही है? सबको मिलेगा सर, बाद में बात करते हैं। अरे निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। कितने बजे से हो रही है? देखिए बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ठिकानों पर रेड चल रही है। सर कितने ठिकानों पर रेड चल रही है? सर कितने जगह उन्होंने कुछ नहीं कहा है और वो सीधे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।